हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर, और आज की एक क्लास है BSc थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसमें हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे थे, जो है लिक्विड क्रिस्टल, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 46 है। इससे पहले आपके 45 लेक्चर्स हो चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी पूरी बुक की, आपके केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है। स्टार्टिंग टू दी 45 लेक्चर आपको सारे उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लिक्विड क्रिस्टल हमारी यूनिट चल रही है इसमें। तो लिक्विड क्रिस्टल में लास्ट टर्न पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर का या इस यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, या फिर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जेल्स। तो जेल्स क्या होते हैं, किन किन टाइप्स में इसको बांटा जा सकता है, किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या ये प्रॉपर्टी रखते हैं, और किन एरियाज में इनका यूज किया जाता है। जेल्स को लेकर हम सारी चीजें A to Z हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जेल होता क्या है और ये लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इस बात का मतलब क्या है। देखिए, जेल्स जो होते हैं, ये जेल्स एक जेली की तरह एक कोलाइडल सिस्टम होता है। जेली जो आप खाते हो ना, जेली जो फूड होता है, एक तरीके का खाया जाता है ये, तो जेली की तरह ही जेल्स होते हैं, जो आपके सॉलिड मीडियम में, जो आपका ठोस माध्यम होता है, उसमें डिस्पर्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें आपका लिक्विड का डिस्पर्स होता है। मैं आपको शॉर्ट सी लैंग्वेज में समझाऊं कि सॉलिड मीडियम में, सॉलिड माध्यम में लिक्विड का प्रसार होना, पूरे में डिस्पर्स होना क्या कहा जाता है, जेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक मीडियम लिया जाता है जो सॉलिड होता है, उन सॉलिड के बीच में जगह जगह पर क्या रखा भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। जैसे मैं आपको कहूँ, एक वो देखा स्पॉन्ज क्या होता है, जैसे आपका जैसे बर्तन साफ करते हो, वो स्पॉन्ज होता है फॉर्म वाला जो आता है, उसको क्या करते हो, पानी पे अगर उस स्पॉन्ज को रख दे तो वो पानी को सोक कर लेता है। इसमें क्या होता है, स्पॉन्ज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम ये मान सकते हैं कि वो सॉलिड पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, मान सकते हैं हम ये, हालांकि उनके बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि हम उनको क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, स्पॉन्ज जब वाटर सोक कर लेता है, तो इस कंडीशन में सॉलिड मीडियम में किसका प्रसार होता है, पूरे स्पॉन्ज में इक्वल क्वांटिटी में क्या होता है, लिक्विड फैल जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, जेल्स के लिए। वैसे स्पॉन्ज जो है एक छोटा एग्जांपल है, और एक और बताती हूँ, जैसे हनीकॉम्ब क्या होता है, आपने देखे होंगे, मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे घर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें इस तरह से होल्स होते हैं ना, कभी आपने पास से देखा हो जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, तो ये होते हैं वो मधुमक्खी जो शहद बनाती है, उनके छत्ते देखे होंगे आपने, तो उसमें भी क्या होता है, इस तरह की सॉलिड स्ट्रक्चर में लिक्विड भरा होता है, लिक्विड मतलब हनी भरा होता है, हनी कैसी कंसिस्टेंसी में होता है, लिक्विड में होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी एक जेल का ही एग्जाम्पल है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस तरह से अरेंज होता है कि सॉलिड मीडियम में लिक्विड का डिस्पर्सन होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें इसमें जो जेल होता है, वो लिक्विड होता है, वो आपका डिस्पर्सन फेज कहा जाता है, और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जेल्स आखिर किस तरह से बनते हैं और क्या होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर किसके, जेल्स के बारे में लिखेंगे कि आखिर जेल्स होते क्या हैं। तो लिख लीजिए इसमें, a jelly-like colloidal system
लाइक कोलाइडल, कोलाइडल सिस्टम, सिस्टम जेली लाइक कोलाइडल सिस्टम, इन विच कोलाइडल सिस्टम, इन विच लिक्विड, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम, सॉलिड मीडियम। डिस्पर्स का मतलब लिख लो क्या होता है, प्रसार होता है, प्रसार, ठीक है। डिस्पर्स का प्रसार लिक्विड में, लिक्विड का प्रसार होता है सॉलिड मीडियम में, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, या फिर अगर इसमें चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इन अ जेल, इन जेल डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्स मीडियम इज सॉलिड, आप ये भी लिख सकते हैं। इसमें आगे लिखिए इसमें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए वॉर्म when a warm solution of gelatin, when a warm solution of gelatin, example लिखा रही हूं मैं इसमें आपको, when a warm solution of gelatin, gelatin, when a warm solution of gelatin is allowed to cool, is allowed to cool, it's set to a semi-solid mass. When a warm solution of gelatin is allowed to cool, it sets to a semi-solid mass. It sets to a semi-solid mass, semi solid mass, which is gel. अब देखिए यहां पर क्या होता है, जेलेटिन लिया जाता है। ज्यादातर जो कुकिंग के शौक रखते होंगे उन्हें पता होगा जेलेटिन क्या होता है। जेलेटिन को हमने क्या लिया, इसका एक सॉल्यूशन बना लिया है, मैं कहूँ कि इसको पानी में घोल लिया, उसको गर्म पानी में घोला है, वार्म सॉल्यूशन लिया है, हॉट नहीं, वार्म गुनगुना सॉल्यूशन लिया है। अगर हम उसको ठंडा रखने के लिए छोड़ देते हैं तो जेलेटिन क्या होता है, एक सेमी सॉलिड मास पर सेट हो जाता है, वो ना तो पूरी तरह से लिक्विड होता है ना ही पूरी तरह से ठोस होता है, सॉलिड होता है। तो वो क्या होता है, जैसे आपने जेली देखी होंगी, बहुत से स्टूडेंट्स ने देखी भी होंगी जेली, नहीं भी देखी है तो सर्च कर लेना, टॉम एंड जेरी में भी बहुत दिखाई जाती है जेलीज, तो उसमें देख लेना कि जेली क्या होती है, उसको अगर हम क्या करते हैं इस तरह से हिलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये जेली है, जैसे मैंने इस पे हल्का सा फोर्स लगाया तो ऐसे हिलती रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो ना तो सॉलिड होती है और ना ही लिक्विड होती है, तो वो एक सेमी सॉलिड मास पर सेट हो जाती है, ना तो सेमी सॉलिड, सॉलिड नहीं सेमी सॉलिड, सॉलिड से कम, ठीक है, जिसे हम जेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम जेल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस होता है, सोल का जेल में कन्वर्ट होना, सोल का जेल में कन्वर्ट होना, इसको हम जिलेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जिलेशन, लिख लीजिए इसमें, the process of conversion of soul into gel is known as gelation. उसको हम क्या बोलते हैं, gelation बोलते हैं, ठीक है, gelatin नहीं, gelation is known as gelation. ये हो गया यहां से इतनी बात, ठीक है।
अब इसके बाद आप इनकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ले सकते हो, इनकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एक हनी कॉम होता है और एक वाटर में सोक्ड स्पॉन्ज होता है, वो इनकी स्ट्रक्चर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें अगले लाइन से लिख लो, इसमें फाइन हनी कॉम्ब, ए फाइन हनी कॉम्ब कॉम्ब या फिर अ स्पॉन्ज सॉक्ड इन वॉटर, ए स्पॉन्ज जूना। ऐसे एक फॉर्म होती है जैसे जो आपके मैट्रेसेस में यानी कि गद्दों में सोफे में लगी होती है ना, वो एक फॉर्म होती है जिसको हम पानी में भिगोते हैं ना तो वो पानी को सोख लेती है, उसको स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज सोक्ड, सोक्ड मतलब भीगा हुआ, ठीक है, सोक्ड इन वॉटर, इन वॉटर, वॉटर सोक्ड इन वॉटर बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ जेल, बेस्ट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ जेल, द स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ जेल। ठीक है, तो इसकी जेल की स्ट्रक्चर आप चाहो तो ड्रॉ करके भी बता सकते हो। तो जैसे मैंने मान लिया ये एक कंटेनर है और इसमें क्या है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर कुछ चीजें, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये आपके क्या है सॉलिड्स है, ठीक है, ये आपके क्या है सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जिस तरह से प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपके, ये आपके हैं सोल के पार्टिकल, ये क्या है आपके सोल के पार्टिकल हैं जो आपके कैसे हैं, जो आपके कोएगुलेटेड होंगे, कैसे होंगे कोएगुलेटेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चेन ऑफ कोएगुलेटेड सोल पार्टिकल, चेन है ना ये पूरी एक कड़ी, चेन ऑफ कोएगुलेटेड सोल पार्टिकल, सोल पार्टिकल, ठीक है, और इस स्पेस में ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, जैसे ये है यहां पर आपका लिक्विड जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका डिस्पर्सल मीडियम जो लिक्विड को एंट्रैप करके रखता है, अपने अंदर बंद करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एंट्रैप्ड डिस्पर्सल मीडियम। ये जो मीडियम है ना, मैं जिस मीडियम के बारे में बात कर रही हूँ कि इसमें सॉलिड मीडियम में लिक्विड का प्रसार होता है, वो मीडियम यही है, प्रसार का माध्यम यही है कि इस जो ये खाली स्पेस है ना, यहाँ पर आकर आपका सॉलिड फंस कर रह जाता है। जैसे मैं कहूँ ये क्या है, जेल की दीवारें हैं और इनके अंदर लिक्विड नाम का कैदी फंस के रह जाता है। तो ये है आपको यहाँ से एंट्रैप्ड, एंट्रैप्ड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, नोट कीजिए, अब आप इसको नोट कीजिए, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जेल्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। हाँ जी, इसको भी कुछ भागों में बांटा गया है, इनकी स्ट्रक्चर्स को लेकर, डिस्पर्सन मीडियम्स को लेकर, इनके केमिकल कंपोजिशंस को लेकर, इन सब चीजों को लेकर भी इनको क्या किया गया है, इनको क्लासिफाई यानी कि कुछ भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स, जेल्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पर भी जेल को डिवाइड किया गया है। अब देखिए इसके हर एक पार्ट के भी पार्ट नहीं होने वाले, जैसे अब तक टिपिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करते आए हैं, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा जेल है, तो ये आपका इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम प्रसार का माध्यम के आधार पर। ठीक है, तो अब इसमें बात करेंगे
कि जो आपके जेल्स होते हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जेल्स जो होते हैं कोएगुलेशन से बने होते हैं, जेल्स जो होते हैं कोएगुलेशन से बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोएगुलेशन से ही आपके जेल बनते हैं। तो जब आपके कोएगुलेशन से जेल्स प्रिपेयर होते हैं तब हम उन्हें कोएगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएगल्स बोलते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम डिस्पर्सन मीडियम में वाटर का यूज करें तब जो आपका जेल बनेगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजेल। क्या? वाटर का अगर हम डिस्पर्सन मीडियम की तरह यूज करें तब जो जेल प्रिपेयर होता है उससे हाइड्रोजेल बोलेंगे। वहीं अगर हम डिस्पर्सन मीडियम में अल्कोहल ले लें तब जो आपके जेल्स प्रिपेयर होते हैं उनको हम अल्कोजेल्स बोलते हैं। अल्कोहल्स नहीं, अल्कोजेल्स। और वहीं अगर हम बेंजीन जैसे डिस्पर्सन मीडियम का प्रयोग करें, यूज करें, तब उससे जो जेल प्रिपेयर होते हैं उनको हम बेंजो जेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? बस यही चीज है, इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखिए जेल्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जेल्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कोएगुलेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? आर नोन एज कोएगल्स। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। आगे लिखेंगे इसमें अब when dispersion medium is used in gels is either या तो वो क्या हो, या तो वो वाटर हो, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, इज आइदर वाटर पानी, अल्कोहल कोमा लगाकर अल्कोहल और बेंजीन then gel is formed termed respectively। क्या कही जाती है वो? अगर वाटर लिया है, वाटर का केमिकल नेम वाटर के लिए H2O के लिए क्या लगाते हैं? हाइड्रो लगाते हैं ना, तो हाइड्रो और क्या आ जाएगा बाद में, जुड़ जाएगा आपका, क्या बना रहा है? जेल बना रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजेल। अल्कोहल के लिए एल्को और जेल्स, बेंजीन के लिए बेंजो जेल्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हाइड्रोजेल कोमा अल्कोजेल बेंजोजेल। ठीक है, ये हो गई एक पार्ट के बारे में बात। अब इसके बाद केमिकल कंपोजिशन पर देखो, केमिकल कंपोजिशन पर आपके दो ही टाइप के जेल्स आपके बन सकते हैं। किस कौन से टाइप के? दो टाइप के, एक तो हो सकता है आपका ऑर्गेनिक जेल और एक हो सकता है ना ऑर्गेनिक जेल। अब इससे अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना, तो लिख लीजिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जेल्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट आ जाएगा इसमें ऑर्गेनिक जेल्स और सेकंड आ जाएगा इसमें इनऑर्गेनिक जेल्स।
अब मुझे इसको तो क्या क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है ना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। ऑर्गेनिक जेल जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होंगे, इनऑर्गेनिक जेल जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, इनके साइज के बेसिस पर, किसके साइज के बेसिस पर, जो हम पार्टिकल्स यूज करते हैं उनके साइज के बेसिस पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए साइज किस तरह से हो सकते हैं, या तो कोई भी पार्टिकल छोटा हो सकता है या उसकी कंपैरिजन में लार्ज हो सकता है। तो इस तरह से इनके साइज के बेसिस पर भी दो पार्ट में बांटा गया है, कि कौन कौन से पार्ट में, स्मॉल और लार्ज, स्मॉल और लार्ज, जिसमें कि आपके लार्ज पार्टिकल भी दो तरह के होते हैं। कैसे, या तो वो नॉर्मल लार्ज होंगे या फिर कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा लार्ज होंगे, ठीक है। तो उनको हमने नाम दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लार्ज पार्टिकल को भी दो भागों में बांटा गया है, जो कौन कौन से हैं, कोलाइडल और कोर्स, कोलाइडल और कोर्स, ठीक है। तो इनके बारे में लिखेंगे पहले। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सी पार्ट, सी पार्ट, और फिर इसके बाद डी पार्ट। अगर टाइम रहता है तो हम इनकी प्रिपरेशन भी करेंगे, यानी कि केमिकल प्रिपरेशन जो हम नॉर्मल करते हैं वो भी करेंगे, और क्या करेंगे, और हम इसमें प्रॉपर्टीज भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, जितनी आज हो जाती है अच्छी बात है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। सी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, ऐसे लिख लो, या ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के बेसिस पर या तो कैसे हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, या तो पार्टिकल का साइज स्मॉल हो सकता है या उसकी कंपैरेटिवली लार्ज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द साइज ऑफ पार्टिकल, लिखिए इसमें, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द साइज ऑफ पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल, ये वेदर मॉनसून वाला वेदर आ गया, ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, या तो होगा स्मॉल होगा और कंपैरेटिवली लार्ज होगा, और कंपैरेटिवली लार्ज होगा। और कंपैरेटिवली लार्ज। अब जो कंपैरेटिवली लार्ज पार्टिकल्स होते हैं या लार्ज जेल्स हो सकते हैं, वो आपके दो पार्ट में बांटे गए हैं, वही आपका कोलाइडल और कोर्स, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं, और कंपैरेटिवली लार्ज जेल्स, लार्ज जेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स, कोलाइडल और कोर्स, ठीक ठीक। अब इसमें जो आपके क्या हो सकते हैं, कोलाइडल जेल्स हो सकते हैं, जैसे आपके कॉमन जेल्स आते हैं इसमें, जैसे आपका अगर अगर का सॉल्यूशन होता है या कॉमन जेलीज होती हैं, कॉमन जेलीज और अगर अगर का सॉल्यूशन कोलाइडल जेल्स में आते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल साइज के, बहुत बड़े साइज के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको दो भाग में बांटा गया है, हाँ जी, दो पार्ट्स में बांटा गया है, और इसमें आपका एक पार्ट होने वाला है इलास्टिक जेल्स और एक होता है नॉन इलास्टिक जेल। अब आप इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, इलास्टिक जेल्स वो होते हैं जिन पर हम फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी पहले की कंडीशन में वापस आ जाएं, वो इलास्टिक जेल्स, इनको हम रिवर्सेबल जेल्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे आता है नॉन इलास्टिक जेल, नॉन इलास्टिक जेल में वो आते हैं जिनको हम फोर्स लगा के उनकी शेप में चेंज तो कर देते हैं, पर फोर्स हटने के बाद वो अपनी शेप पहले जैसी नहीं बना पाता है, इस टाइप के जेल्स को इररिवर्सेबल जेल्स भी कहा जाता है। और इसमें नॉर्मल सिलिका जेल्स का यूज किया जाता है, सिलिका जेल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, कैसे होते हैं, रिजिड, ठोस होते हैं, ठीक है। तो इसका डी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, इलास्टिक जेल्स, इलास्टिक जेल्स,
ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, लिखिए इसमें दीज जेल्स या सच जेल्स, सच जेल्स, सच जेल्स चेंज चेंज देयर देयर स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स फोर्स एंड 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 रिटर्न टू एंड रिटर्न टू इट्स रिटर्न टू इट्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड रिटर्न टू इट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर फॉर्म आफ्टर रिमूविंग फोर्स आफ्टर रिमूविंग फोर्स आफ्टर रिमूविंग फोर्स ठीक ये हो गया। इन जेल्स को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल जेल्स भी कहा जाता है। दीज जेल्स आर ऑल्सो नोन एज दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज रिवर रिवर्सिबल जेल्स। ठीक है ये हो गया इसका यहां से। ठीक है एग्जाम्पल में लिख सकते हो जेलेटिन हो गया स्टार्च हो गया अगर अगर आ गया इसमें एग्जाम्पल जेलेटिन स्टार्च अगर 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 खाने में यूज होता है इसका अगर अगर का। ठीक है चलिए ये हो गया इतनी बात। अब दूसरे पार्ट के बारे में लिखूंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए आप सेकंड पार्ट में इसी में लिखने वाली हूं। सेकंड पार्ट नॉन इलास्टिक जेल, ऐसे जेल जो अपनी स्ट्रक्चर को तो चेंज कर लेते हैं किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के बाद, बट कैन नॉट रिटर्न, बट कैन नॉट रिटर्न, कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, बट कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिमूविंग फोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नॉन इलास्टिक जेल्स बोलते हैं। और इनको हम क्या भी कह सकते हैं? इन जेल्स का एक और नाम भी हो सकता है इररिवर्सिबल जेल्स। इररिवर्सिबल जेल्स इसका क्या दूसरा नेम भी हो सकता है। और एग्जाम्पल सिलिका जेल, एग्जाम्पल आपका सिलिका जेल, सिलिका जेल्स। ठीक है और एक चीज दीज आर रिजिड, कैसे होते हैं रिजिड, दीज आर रिजिड, ये भी इसमें ऐड कर लो। चलिए ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद है इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज बाद में करेंगे पहले प्रिपरेशन करेंगे। दो मेथड है इसके, ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें, पर हम करेंगे, मेथड है दिए हैं तो हम करेंगे जरूर, चाहे ना भी दिए होते तो हम हर किसी चीज को डीपली डिस्कस करके चल रहे हैं, इसे भी ऐसे ही करेंगे, कोई भी चीज कहीं से भी नहीं छोड़ी जाएगी। पहले से नोट करिए, आप नोट कीजिए। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन जेल्स की, तो जेल की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशंस वो हम करेंगे इसमें हमारे नेक्स्ट एंड पर। आज हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका एक रीजन है, प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन और उसकी एप्लीकेशन तीनों मिलाकर इतना लेंथी टॉपिक नहीं है वैसे तो, पर इतना भी छोटा नहीं है कि हम उन्हें आज ही कवर अप कर लें। अगर उन्हें हम आज ही छेड़ेंगे तो ये क्लास काफी लेंथी हो जाएगी। तो ये तीन चीज हम करेंगे इसमें नेक्स्ट एंड पर। आज आपके लिए जरूरी था जेल्स को समझना, कितने कितने पार्ट्स में किन किन बेसिस को इन पर बांटा गया है, और फिर अब हम इसमें कल प्रिपेयर करेंगे कि कैसे इनको बना सकते हैं, कौन सा जेल क्या प्रॉपर्टी कंटेन करता है और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं हमसे।
इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_india। जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज कीजिए, आपके क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ आपको भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।